कि जो परिवर्तन भगवान श्री राम चाहते हैं वैचारिक, और जो मन के दोषों के कारण जो परिवर्तन होने में कठिनाई आती है, इसलिए श्री भारत को जो उपाधि रामायण में दी गई उस पर आपका ध्यान गया होगा। अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा में पूछा गया, पहले भगवान राम गए, बाद में श्री भारत गए, भगवान राम का भी मार्ग में लोगों ने दर्शन किया, श्री भारत का भी दर्शन किया, उन दोनों दर्शनों में कोई अंतर है क्या? तो गोस्वामी जी ने उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा, जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, भगवान राम का जिन्होंने दर्शन किया और भगवान राम ने जिनकी ओर देखा, ते सब भये परम परियो, भगवान का दर्शन करने वाले और भगवान की दृष्टि जिन पर पड़ी वो मुक्ति के अधिकारी हो गए। तो मुक्ति से तो कोई बड़ी वस्तु नहीं, पर गोस्वामी जी इस पर बहुत बल देते हैं कि मुक्ति सबसे बड़ी वस्तु होने पर भी एक वस्तु के बिना मुक्ति के सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। जैसे उसको दृष्टांत के रूप में योग है कि यदि आपके सामने भूख मिटाने के लिए सुस्वाद और स्वास्थ्यवर्धक भोजन परोस दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छी वस्तु है, पर उसके लिए एक वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? उस वस्तु का भोजन करने के लिए अगर आपके पेट में पचाने की शक्ति नहीं है तो आप उस व्यंजन को या तो ले नहीं सकेंगे, खा नहीं सकेंगे, और या उसको पचा न सकने के कारण आप रोगी होंगे। इसी प्रकार से मुक्ति व्यंजन है, ज्ञान व्यंजन है, पर मुक्ति और ज्ञान के व्यंजन को का पचाने के लिए एक वस्तु की आवश्यकता है। क्या है इसका अभिप्राय? ये जो बात पहले भी एक दिन कही जा चुकी थी कि जैसे राहु जो है वो भी तो अमृत पाकर के अमर हो जाता है, पर क्या हमारा राहु आदर्श हो सकता है? क्या हम राहु को अमर भले ही मान ले, हम राहु की पूजा भले ही कर ले, पर जब गणना करेंगे तो उसकी खल ग्रह के रूप में पापक ग्रह के रूप में ही गणना करेंगे, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान के परिणाम स्वरूप, मान लो ये महान सत्य है, ज्ञान का अभिप्राय है सत्य का साक्षात्कार, और सत्य का साक्षात्कार का व्यक्ति की अगर बुद्धि पहनी है तो उसमें उस समय उस बुद्धि में ग्रहण करने की क्षमता है, तो भले ही पवित्रता न हो, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान की उच्च से उच्च बातों को समझ लेते हैं, किंतु इतना होते हुए भी रामायण में बार बार इस बात पर बल दिया गया। गोस्वामी जी ने उत्तरखंड में भी ये कहा कि वहां पर उन्होंने पृथ्वी और जल का दृष्टांत दिया, जल के लिए जल को ग्रहण करने के लिए पात्र की आवश्यकता है, जल जब टिकेगा तो थल के आधार पर टिकेगा। तो गोस्वामी जी ज्ञान की तुलना करते हैं जल से और भक्ति की तुलना करते हैं फल से। वो कहते हैं जिमी फल बिन जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा वहां पर एक शब्द बदला हुआ। गोस्वामी जी ने मोक्ष और मोक्ष सुख दोनों को अलग कर दिया। उन्होंने कहा ज्ञान से मोक्ष तो प्राप्त हो सकता है, पर मोक्ष सुख की अनुभूति के लिए तथा मोक्ष सुख सुख अगर आई रही न सके हरि भक्ति में, मोक्ष के सुख की अनुभूति यदि हम करना चाहे तो निश्चित रूप से हमें भक्ति का आश्रय लेने की आवश्यकता है। विशेष उसको होते हुए भी एक बार संकेत कर दूं कि ब्रह्माकार वृत्ति ही तो ज्ञान है, सोमस्मि, पर मान लीजिए। इसीलिए ज्ञान की परंपरा में भी इस सोहमस्मृति वृत्ति का अभ्यास करने की आज्ञा दी गई। का अब वेदांत में भी दो प्रकार की मान्यताएं हैं। एक पक्ष मानता है कि केवल विचार से सत्य का ज्ञान कर लेना ही सब कुछ है, किसी प्रकार के जीवन में
और साधन की अपेक्षा नहीं, केवल विचार की अपेक्षा। और एक पक्ष यह है कि ना विवेक के पश्चात भी, विवेक के पहले भी और विवेक के पश्चात भी व्यक्ति को उसको दूसरा नाम दिया गया, जीवन मुक्ति का अभ्यास। रामायण में आपने क्रम पाया है, ज्ञान विज्ञान ब्रह्मलीन विज्ञानी जीवन मुक्त। इन बातों के विस्तार में मैं अधिक नहीं जाऊंगा, वो कुछ अधिक शास्त्रीय। तो उसमें ज्ञानी होते पुनः विज्ञानी, ज्ञानी से बड़ा विज्ञानी, विज्ञानी से बड़ा ब्रह्मलीन विज्ञानी, ब्रह्मलीन विज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। उसके पश्चात फिर अंत में भक्त का नाम दिया गया कि भक्त जो है उसकी अपेक्षा भी दुर्लभ। जैसे मान लीजिए किसी ने इस सत्य को जान भी लिया कि मैं ब्रह्म से अभिन्न हूं, तो ये अनुभूति जिस समय उसके चिंतन में बनी रहेगी तभी तो उसको सुख मिले। और किसी समय उसकी वृत्ति अगर विषयाकार होगी और ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी तो उस समय उसको जो विषयजन्य परिणाम है उसकी अनुभूति होगी, ब्रह्माकार वृत्ति का फल उसे नहीं मिले। इसीलिए व्यंग कर दिया गया ना, जब काम आक्रमण करता है शंकर जी के संदर्भ में तो एक विचित्र व्यंग किया गया कि काम के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि देखा ही चराचर नारी में कौन से जे ब्रह्ममय देखते रहे, जो सर्वत्र ब्रह्म का साक्षात्कार करते थे। जब काम ने शंकर जी पर आक्रमण किया तो उनको सृष्टि नारी में ही दिखाई देने लगी। और तब गोस्वामी जी ने जब कह दिया धरी न काबू थी सबके मन मन से जाए, और उसका अभिप्राय यह है ये जो जीवन के दुर्गुण दुर्विचार हैं इनकी क्षमता साधारण नहीं। यहां तक कि गोस्वामी जी ने काम के आक्रमण के प्रसंग में कहा जिन लोगों ने यह समझ लिया था कि मेरे जीवन में काम की मृत्यु हो गई है, मैंने काम को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है, जागई मनोभव मूल मन बल सुभगता न परे गई, तो तुरंत गोस्वामी का धरी न काहू थी सबके मन मन से जहरे। अरे महाराज तब तो फिर कोई साधन आदि की अपेक्षा कोई महिमा रही नहीं, कोई नहीं बचा। तो सूरत का नहीं भाई बच गए कुछ लोग, कौन बच गए, उन्होंने कहा धरी न काबू धीर सबके मन मन से जहरे, पर जे ही राखे रघु भी ते उबरे ते ही काल। भगवान ने जिन्होंने भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान पर रक्षा का भार सौंप लिया था कि प्रभु का इन दुर्गुणों की के द्वारा इन दुर्गुणों का हमारे जीवन में प्रवेश न हो, ये भार मैं आप पर सौंपता हूं, भगवान ने उनको बचा लिया। इससे रामचरितमानस की ये एक मान्यता है कि कितना भी उत्कृष्ट ज्ञान क्यों न हो, व्यक्ति भले ही उसके द्वारा मुक्ति का अधिकारी बन जाए किंतु उसको भक्ति का आश्रय लेना चाहिए और जीवन में उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, तो ये ज्ञान सच्चे अर्थों में का वो पूरी तरह से चरितार्थ माना जाए। तो गोस्वामी जी ने कितनी बड़ी बात कही थी, भगवान राम पहले गए और भरत जी बाद में गए चित्रकूट, तो एक अर्थ तो ये हुआ कि वे बड़ा भाई आगे गया पीछा पीछे भाई छोटा भाई पीछे गए, ये भी एक उत्तर है। सेवक जो है वो स्वामी का, छोटा भाई बड़े का अनुगामी है, इसलिए अगर प्रभु चित्रकूट गए तो श्री भरत भी चित्रकूट गए। पर भगवान राम से किसी ने पूछ लिया कि आपके बाद श्री भरत चित्रकूट आए, आपके साथ नहीं आए, क्या तात्पर्य, तो प्रभु ने कहा कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला होता है तो पहले प्रचार किया जाता है कि वो आने वाले हैं, आप लोग उनसे लाभ लीजिए, तो मैं तो प्रचार करता चल रहा था कि पीछे आ रहे हैं, जिनका दर्शन करने से आपकी समस्याओं का समाधान पूरी तरह होगा वो भरत है वो मैं। तो गोस्वामी जी ने अंतर कर दिया, भरत राम के दर्शन से क्या हुआ, बोले ते सब भय परम पद जोगी, फिर भरत के दर्शन से क्या बचा, बोले नहीं बचा क्या, भरत दरस मेटा भव रोगू, भरत के दर्शन से लोगों के जीवन में मन के रोग भव रोग दूर हो गए।
तो भरत की भूमिका जो है भगवान श्री राम के विचारों को कैसी पद्धति से वे क्रियान्वित करते हैं और कैसी क्रांति ला देते हैं। तो जैसा कल भी कहा गया था कि ये कहना तो एक बिल्कुल तथ्य को अस्वीकार करना है कि ऐसी भी परंपरा स्पृश्य अस्पृश्य की इस देश में रही है, उसको धर्म का भी रूप दिया गया है, उसके पक्ष में तर्क भी दिया गया है। कब भगवान श्री राघवेंद्र उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, पर उस परिवर्तित के लिए उन्होंने अनुभव किया कि एक परिवर्तन तो दंड के द्वारा होता है जो बुरे व्यक्तियों के संदर्भ में है, पर जो व्यक्ति भले हैं, अच्छे हैं, पर किसी संस्कार के कारण वो अपने आप को स्वयं उससे मुक्त नहीं कर पाते, ऐसे भी अनेक व्यक्ति होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कब कैसे परिवर्तन उनको शांति पूर्वक किया जाए, तो इसलिए भगवान श्री राम एक बात भी कर सकते थे और श्री भरत के द्वारा उसको भगवान राम ने परिपूर्ण कराया, जो कल बात आपके सामने निषाद राज के संदर्भ में कही जा रही थी कि गुरु वशिष्ठ का धर्म गुरु है और धर्म गुरु की दृष्टि से वो कोई बहुत संकीर्ण धर्म गुरु नहीं है, महानतम उनको सम्मान प्राप्त है, पर इतना होते हुए भी जो सामाजिक मान्यता का संदर्भ है वो संस्कार उनके जीवन में भी है और वो अंतर इसी में दिखाई देता है। भगवान श्री राम ने निषाद को मित्र बनाकर के पास बैठाया, श्री भरत ने उनके लिए रथ का परित्याग किया, गुरु वशिष्ठ ने दूर से उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन गुरु वशिष्ठ, मैंने जैसा कहा, कुछ लोग दुराग्रही होते हैं, श्री भरत गुरु वशिष्ठ तो एक महापुरुष है, बड़े तपस्वी है, का उनके जीवन में किसी प्रकार की घृणा या द्वेष नहीं है, उसको वो व्यवस्था का अंग मान करके ही स्वीकार किए हुए हैं। लेकिन अब कैसा एक परिवर्तन शांतिपूर्ण होता है कि जहां पुरातन के सम्मान की रक्षा करते हुए पुरातन से जो जुड़े हुए हैं उनकी उपेक्षा नहीं है, अभी तो उनको परिवर्तित करने की प्रेरणा। तो भगवान श्री राम फिर गुरु वशिष्ठ ने यह दृश्य देखा और तब तो उसकी परिणति इस दृष्टि से होती है कि गुरु वशिष्ठ में परिवर्तन और वो परिवर्तन चित्रकूट में जाकर के पूरी तरह से साकार हो गया। कैसा परिवर्तन का क्रम? गुरु वशिष्ठ की पूजा करना भगवान राम ने कभी बंद नहीं किया, गुरु वशिष्ठ की मान्यताओं का भगवान राम ने खुलकर के कभी कोई विरोध नहीं किया, श्री भरत ने भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया कि गुरु वशिष्ठ स्वयं भी इतने उदार है कि जब वो विचार करेंगे तो उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेंगे। अयोध्यावासी भी जब गुरु वशिष्ठ के द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा तो धर्म के रूप में भी उसको समाज में स्वीकृति मिलेगी, पर इसको एक पद्धति से श्री भरत ने उसको एक नया रूप दे दिया। जब निषाद के लिए रथ से उतरे तो आप जानते हैं सामाजिक मर्यादा कितनी भी उदार क्यों न हो उसमें कुछ कठोरता होती है, इसी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती है कि जिसमें थोड़ी उदारता के साथ अनुदारता न हो, कोई ऐसा दृष्टांत व्यक्ति दे ही नहीं सकता। किंतु उस उदारता को उदारता के रूप में कैसे बदला जाए, तो सामाजिक एक व्यवस्था है किसको देख करके कौन खड़ा हो, कौन उठे, कौन किसका सम्मान करे, कौन बैठा रहे, इसकी एक व्यवस्था स्मृतियों ने दी है या उसकी एक मर्यादा बनाई गई। अब उस सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से निषाद एक साधारण वर्ण की दृष्टि से भी नीचे है और यूं भी कोई वे सम्राट नहीं है या राजा नहीं, और श्री भरत जो है वो अयोध्या के मान्य सम्राट है, इससे निषाद राज को का भरत का अगर वो सम्मान करे तो स्वाभाविक। पर अब गुरु वशिष्ठ ने दूर से आशीर्वाद किया दिया तो श्री भरत ने विरोध तो कुछ नहीं किया, पर अपने चरित्र के द्वारा उन्होंने धर्म को स्वीकार किया, पर धर्म की व्याख्या को उन्होंने नया रूप दे दिया। और वो नया रूप क्या, इसी को तो दृष्टिगत रख करके बाद में गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि भरत, धर्म तो मेरे जीवन में था,
धर्म के रहस्य को तो हम जानते थे, पर तुम्हें देख करके तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी वाणी को, फिर मैंने ऐसा अनुभव किया कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। जो तुम समझोगे, जो कहोगे, जो करोगे, वो धर्म नहीं धर्म का सार होगा। और ये सूत्र बड़े महत्व का है। गुरु वशिष्ठ मानो सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो धर्म था उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन श्री भरत उस व्यवस्था में एक नया अर्थ दे देते हैं। और नया अर्थ था अपूज्या यत्र पूज्यन्ते कह करके स्मृतियों में श्लोक है कि जिस समाज में अपूज्य की पूजा होती है और पूज्य की पूजा नहीं होती है वो विनष्ट होता है। वो एक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा का अपना दृष्टिकोण है। अब श्री भरत ने जो नई व्याख्या की वो क्या है? कभी धर्म के नाम पर हम चाहे तो अपने अभिमान की पुष्टि कर सकते हैं। तो अगर धर्म के नाम पर केवल व्यवस्था का एक उद्देश्य है तो क्षम्य है, पर उसकी आड़ में अगर व्यक्ति का अभिमान या उसकी हीन वृत्ति या द्वेष की वृत्ति बोले तो उस प्रकार से वो धर्म की आड़ है, वस्तुतः धर्म नहीं। तो कैसा श्री भरत के द्वारा परिवर्तन हुआ? श्री भरत जब निषाद को देख करके रथ से कूद पड़े और निषाद की ओर दौड़े तो ये तो क्रम बदल गया मर्यादा का। छोटे को देख करके बड़े ने सवारी का परित्याग किया, प्रजा को देख करके राजा ने वाहन का परित्याग कर दिया। व्यवस्था के अनुकूल ये नहीं, पर व्याख्या ही तो है। कथावाचक का अर्थ क्या हुआ? कई कथावाचक मंच पर ही केवल कथावाचक नहीं है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कथावाचक बनने की आवश्यकता है। और उसका अभिप्राय है कि जैसे वक्ता एक ही प्रसंग में विविध संदर्भों में भिन्न अर्थ दे देता है, आपको नवीनता की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से देश काल के संदर्भ में हम किसी वस्तु को किस रूप में स्वीकार करें इसकी प्रेरणा श्री भरत देते हैं। श्री भरत से किसी ने पूछ लिया कि गुरु वशिष्ठ ने तो मर्यादा का पालन किया और आपने रथ का परित्याग कर दिया, तो स्मृति धर्म के अनुकूल नहीं हुआ? तो श्री भरत की विनम्रता क्या? क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरु जी अनुदान है या गुरु जी संकीर्ण है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे गुरु जी तो बड़े महान है और मैंने जो रथ का परित्याग किया है वो गुरुदेव की आज्ञा से किया है, अपने मन से नहीं किया। कहा आज्ञा दी उन्होंने? उन्होंने कहा गुरु जी ने परिचय देने में ही आज्ञा दे दी। तो परिचय देते हुए उन्होंने ये ही नहीं कहा कि इनका नाम क्या, इनकी जाति क्या? गुरु जी ने परिचय देते हुए कहा था कि ये तुम्हारे राम के मित्र है। तो जब गुरु जी स्वयं परिचय राम के मित्र के रूप में देते हैं तो मैं तो प्रभु का सेवक हूं, और गुरु जी कहते हैं कि मित्र है तो सेवक छोटा है और मित्र बड़ा है। इसलिए अगर मित्र को देख करके सेवक ने सवारी छोड़ दिया तो बिल्कुल धर्म की मर्यादा के ही व्याख्या बदल गई। और उसका अभिप्राय हुआ कि आप किस दृष्टि का प्रसार और प्रचार करना चाहते हैं, उसे किस रूप में? और गुरु वशिष्ठ की मानता है कि उन्होंने इस अर्थ में नहीं किया कि उन्होंने इस धर्म का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि मैं पिछड़ गया, शिष्य संस्कारों से ऊपर उठ करके धर्म की ऐसी व्याख्या उसने कर दी जिसमें अपने को श्रेष्ठ कर सिद्ध करने की चेष्टा नहीं। अगर एक व्याख्या एक की जाए कि हम हर दृष्टि से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने लग जाए, हम ये जाति के हैं या इस कुल के हैं या इस पद के हैं, या तो ये को ये व्याख्या की जा सकती है और करते ही लोग, पर इसके द्वारा तो अभिमान का जाग नहीं होगा, अभिमान की मृत्यु बढ़ेगी। तो व्याख्या ऐसी की जाए जिससे अभिमान घटे। और वो मानो वेद मंत्र, यदि वेद मंत्रों में कह दिया गया वर्ण धर्म की व्याख्या करते हुए ब्राह्मणों से मुखमाशीन बाबू राजन्य, और जब वैश्यास्त दूरु परध्याम शूद्रो अजायत, तो एक व्याख्या एक की जा सकती है कि सिर सबसे ऊपर है, हाथ उससे नीचे है, पेट उससे नीचे है,
पैर उससे नीचे है, इसलिए वर्ण की दृष्टि से क्रम से एक दूसरे से नीचे की भी जाती है, ऐसी भी मान्यता है। पर अब ये तो धर्म को भक्ति की ओर मोड़ने के लिए श्री भरत से कोई यदि पूछे कि निषादराज तो शूद्र है, आपने रथ का परित्याग ही नहीं करके उनको हृदय से क्यों लगा दिया? श्री भरत ने कहा, वेद मंत्रों की अनुकूल मैंने आचरण किया। क्या? जब वेद मंत्र स्वीकार करते हैं कि शूद्र का जन्म चरण से हुआ, तो मैं तो भगवान राम के चरणों के दर्शन के लिए जा रहा था, तो चरणों से जिसका जो उत्पन्न हुआ है वो तो हमारे लिए सबसे पहले स्पर्श करने योग्य है। मुझे तो उनके स्पर्श से भगवान के चरणों की याद आती है। और उसका अभिप्राय ये है, सारे वाक्य वही है और श्री भरत उसको एक नई दिशा दे देते हैं। और उसका परिवर्तन ये पूरे मार्ग में श्री भरत के द्वारा जिस प्रकार से परिवर्तन किया गया, परिवर्तन की जो पद्धति है वही भगवान राम के आदर्श के अनुकूल है, जहां विनम्रता है और विनम्रता पूर्वक अपने आचरण के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसको परिवर्तित करने की चेष्टा है। और उसकी समग्रता तब होती है, समग्रता बुद्धि की भूमि में नहीं आती, मर्यादा की भूमि में कहीं कहीं दूरी बनी रहे। पर जब चित्रकूट में जाते हैं, योग की भाषा में जो चित्त की भूमि है और भक्तों की भाषा में जो प्रेम की भूमि है, और उसका अभिप्राय यह है, राम राज्य को अगर हम दूसरा नाम देना चाहें तो कह सकते हैं कि वो प्रेम राज्य। चित्त में एकत्व की जो अनुभूति होती है वो चित्त की भूमि में जाकर के होती है। जब हमारे संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं तब हमारे अंतःकरण में शुद्ध भगवत प्रेम का उदय होता है, और उसमें जिन संस्कारों के द्वारा हम जीवन में संचालित होते हैं उससे ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे फिर परिवर्तन होता है। फिर गुरु वशिष्ठ ने चित्रकूट की प्रेम भूमि में या चित्त के राज्य में वो जो श्री भारत के आचरण को उन्होंने देखा उस पर उन्हें रोष नहीं हुआ, पर अब उससे उन्हें सीखने की इच्छा हुई। और वहां पर फिर गोस्वामी जी बड़े सुंदर क्रम से इस यात्रा में पूरे क्रम पर दृष्टि डाले, श्री भरत किस प्रकार से परिवर्तन कर रहे हैं। भगवान राम ने भरद्वाज जी के आश्रम में भरद्वाज जी से मार्गदर्शक की याचना की, और महर्षि भरद्वाज ने चार विद्यार्थी दिए। सांकेतिक भाषा में कहें तो ये चार विद्यार्थी चार वेदों के प्रतीक। और भगवान श्री राम जब पूछते हैं कि मैं किसके पीछे चलूं, कौन हमारा मार्गदर्शक होगा, तो उस महापुरुष ने भरद्वाज ने जो धर्म के आचार्य है, ऋषि है, मुनि है, उन्होंने विद्यार्थियों को बुलाया, श्री राम को मार्ग दिखाने वाले कौन है। गोस्वामी जी ने लिखा, सुनि मन मुदित 50 आए, 50 विद्यार्थी आ गए, हमारे पीछे चलिए हम ले चलेंगे। पर मुनि ने उसमें चुनाव किया चार विद्यार्थियों, ये मानो 50 ग्रंथ जो है वो 50 प्रकार के जो ग्रंथ कह लीजिए या विविध प्रकार के जो आचार्य और मान्यता वाले हैं वही विद्यार्थी के रूप में है, और वो सभी मार्गदर्शन का दावा करते हैं। चार वेदों का अभिप्राय यह है कि हमारे धर्म में वेद को ही परम प्रमाण माना जाता है, इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र वेदानुगमन करते हैं, वेद के पीछे चलना। अब उसको परिपूर्णता श्री भरत कैसे देते हैं। निषादराज को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था, निषादराज जी उस समय भगवान राम के पास खड़े थे, और निषादराज जब भगवान राम के साथ आए थे तो उन्होंने भगवान राम से दो बातें कही थी, मुझे साथ ले चलिए। क्यों? तो दो कार्य बताए थे निषादराज ने, मैं करूंगा। क्या? नाथ साथ रही पंथ दिखाई, और कर दिन चार चरण से उठाई, और यही बन जाए रहब रघुराई, पर्ण कुटी में तरफ सुहाई। बन का मार्ग बड़ा कठिन, आप उसमें भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, और जहां आप रहना चाहेंगे आपके लिए कुटिया बनाऊंगा, और आप जब वहां
आनंद पूर्वक विराजमान होंगे तो मैं आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं लौट आऊंगा और आज्ञा देंगे तो मैं आपकी सेवा में रहूंगा। भगवान राम ने निषाद को साथ में ले लिया, पर जब प्रयाग में निषाद के सामने ही उन्होंने महर्षि भरद्वाज से कहा, कहो नाथ हम कही मग जाएंगे, तो बड़ी अटपटी बात हो गई। आपके साथ कोई मार्ग दिखाने वाला चल रहा हो और सड़क पर आप किसी को रोक करके कहें कि मैं वहां जाना चाहता हूं, इसका मार्ग बताइए, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपके साथ जो मार्ग दिखाने वाला है उस पर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं। विश्वास होता तो आप तो जानते ही कि ये तो चल ही रहे साथ। तो जब निषाद राज जैसा मार्गदर्शक साथ में है तो फिर प्रभु भरद्वाज जी से मार्गदर्शक क्यों पूछते। निषाद राज को मानो प्रभु बताना चाहते थे और इसको परिपूर्णता भरत देते। क्या भगवान श्री राम मानो ये संकेत करना चाहते थे कि मैं मर्यादा की दृष्टि से वेद के पीछे चल रहा हूं, पर तुम ये न समझना कि मैं तुम्हारे मार्गदर्शकत्व में मुझे कोई संदेह, तुम्हें एक ऐसा दिव्य प्रेमी मिलेगा जो तुम्ही को मार्गदर्शक बना देगा और सचमुच वो सिद्ध करेगा कि वेद के मार्गदर्शन की अपेक्षा भी कहीं और भी कोई उदात्त मार्गदर्शन भगवान राम ने उन विद्यार्थियों को यमुना के किनारे से लौटा दिया। यहां पर सांकेतिक भाषा रामायण की है, गीता में भी उसकी ओर संकेत है। वेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण भले ही हो, पर भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं त्रैगुण ने विषया वेदा निस्त्रैगुण को वादन, और भगवान भी यमुना के किनारे तक चित्रकूट तक नहीं ले गए। बड़ी विचित्र बात, मार्गदर्शक तो इतने उत्साह से मांगा और बीच मार्ग से उनको लौटा दिया, चित्रकूट ले जाते और वहां से चारों विद्यार्थियों को लौटाते। पर गोस्वामी जी ने संकेत बड़ा मधुर किया, जो ही प्रभु ने यमुना में स्नान किया भगवान ने विद्यार्थियों से कहा अब कोई मार्ग की समस्या नहीं है, आप लोग कष्ट न करें लौट जाए। गोस्वामी जी ने कहा विदा किए और उल्टी बात हो गई, विदा किए बट विनय कर फिरे पाई मन का और उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समस्या। यमुना जो है वो कर्म की नदी है, कर्म कथा अभिनंदन वर्णन। भगवान का अभिप्राय यह है कि जब तक जीवन में कर्म पथ नियम का पथ है तब तक वेदों की पग पग पर आवश्यकता है, पर बाद में नियम से भी ऊपर उठ करके प्रेम राज्य में जब प्रवेश करना है, चित्त की भूमि में जब प्रवेश करना है, तब वेद की स्थिति से भी ऊपर की स्थिति की अपेक्षा। तो ये चारों विद्यार्थी यमुना के किनारे से भगवान से विदा लेकर के लौट आते हैं। अब जब श्री भरत आते हैं तो श्री भरत कौन है, मूर्तवान प्रेम है। भगवान राम अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीता पर माया बस जीव से जरा जा, और श्री भरत भरत ही प्रवेश करना है, चित्त की भूमि में जब प्रवेश करना है तब वेद की स्थिति से भी ऊपर की स्थिति की अपेक्षा। तो ये चारों विद्यार्थी यमुना के किनारे से भगवान से विदा लेकर के लौट आते हैं। अब जब श्री भरत आते हैं तो श्री भरत कौन है, मूर्तवान प्रेम है। भगवान राम अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीता पर माया बस जीव से जरा जा, और श्री भरत भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तंगवाई। ये दो यात्री, और श्री भरत ने क्या किया, उन्होंने किसको मार्गदर्शन बनाया, भरत के मार्गदर्शक भरद्वाज के आश्रम के विद्यार्थी ने वेद नहीं। और उसका अभिप्राय यह है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जब दिव्य प्रेम का उदय होता है और तब किसी नियम या किसी मार्ग की अपेक्षा नहीं होती है, अपितु प्रेमी जिस दिशा में चलता है वही सही मार्ग होता है, यही प्रेम की लक्षणता है। पर क्रम वही है, पहले वेदानुगमन और यमुना तक वेद का आश्रय, दोनों यात्राओं को जोड़ करके हम राम राज्य की समग्रता को समझ सकते हैं।
और उसके पश्चात जब श्री भरत के रूप में यात्रा प्रारंभ होती है तो उन्होंने तो क्रम ही बदल लिया। जब पहुंचे तो निषाद राज को हृदय से तो लगाए, पर बाद में भगवान राम सुबेरपुर में रात्रि को जहां पर विश्राम प्रभु ने किया है उस शैया पर, सूत्र देखेंगे आप, श्री भरत की यात्रा काहे के लिए, आपन दारुण दीनता सबनी कहो समझाए, देखे बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। हृदय में एक ज्वाला जल रही संसार में सर्वत्र, और उस ज्वाला का उपशमन तब तक नहीं होगा जब ईश्वर से मिल करके हमें एक एकाकारता का अनुभव हो, और उसी साधना का पथ जो है उसी जलती हुई ज्वाला की आंच से बचने का प्रयास। तो एक निर्गुण निराकारवादी संत हुए प्रभुदास जी, उन्होंने कल्पना की चारों ओर आग लगी हुई है, तो उन्होंने जब गिनना प्रारंभ किया कि आग कैसी लगी हुई है, तो उन्होंने कोई नाम जल्दी छोड़े ही नहीं, बोले चिंता की लगी आग है, जरे सकल संसार, जरे सकल संसार जरत निरपति को देखा, राजा जल रहा और बादशाह उमराव जरत है सैयद देखा, और उससे भी आगे बढ़ के उन्होंने कहा सूर नर मुनि सब जने और जति जोगी सन्यासी और पंडित ज्ञानी चतुर जड़े कनफटा उदास, जंगम सेवरा जरे जरे नागा बैरागी कौल बस्ते भागी दोपहरे लागी आगी। महाराज आपने तो बड़ा आतंक सबको गिरा डाला, कोई बचता है कि नहीं? उन तुरंत एक बात के अंत में समाप्त किया, पलटू बचते संत जिन लिया नाम आधार, और चिंता की लगी आगे है जरे सकल संसार, जिसने भगवान के नाम में अपने को विलीन कर दिया है समर्पित कर दिया है वही इस ज्वाला से मुक्त होता है। श्री भरत भी कहते हैं एक आग लगी हुई है वो बाहर नहीं भीतर भी है, और वो मिटेगी तब जब हम भगवान के चरणों का दर्शन करेंगे, और भगवान के चरणों का दर्शन श्री भरत ने जब गुरु वशिष्ठ के आदेश से राज्य लेना स्वीकार नहीं किया तो आश्चर्य हुआ कि गुरु की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। श्री भरत ने यही कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जब ये कहते हैं या मुझसे जब ये प्रस्ताव किया जाता है कि भरत राज्य स्वीकार कर लो, तो हमारे गुरु जी कभी ऐसी आज्ञा दे सकते हैं? माँ कौशल्या कभी कह सकती है? क्या अयोध्या में रहने वाले मंत्री ऐसी बात कह सकते हैं? वही सूत्र श्री भरत ने कहा मैं तो गुरु पिता माता की आज्ञा ही मानना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि गुरु पिता माता की आज्ञा हो। और तब उन्होंने बड़े नम्र थे पर विनम्रता से भी एक शब्द जो कहा वो बड़ा सांकेतिक, मैं समझ गया आप लोगों के मुंह से केवल कोई और बोल रहा है, और आपने वाक्य पढ़ा होगा मन के रोगों के संदर्भ में भी मोह, लंका के संदर्भ में भी मोह, और श्री भरत ने वही शब्द यहां जोड़ा दिया तुम चाहो सुख मोह बस मोहि से अधम मेरा। निश्चित रूप से गुरुदेव ऐसा कहेंगे कि राज्य ले लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा, और उसका अभिप्राय मेरे गुरुदेव जब अपनी स्थिति में गुरुत्व में होते हैं तो सचमुच गुरु वशिष्ठ की वाणी थी जो उन्होंने दशरथ जी से कहा था कि सुन नृप जासु विमुख पछिताई जासु भजन विमु जरन जाए, दशरथ तुम्हारा वो पुत्र वो ईश्वर है जिसके बिना भजन के जीव के हृदय की ज्वाला कभी शांत नहीं हो सकती। श्री भरत ने कहा वो गुरु वशिष्ठ की वाणी मानी, और जब वो कहते हैं कि वो राज्य ले लो तो बोले ग्रह ग्रहित पूरी बात बस तही पूरी बीची मार और ताही पियाई ये बागुड़ी। शराब की चिकित्सा हमारे गुरु जी के द्वारा नहीं है, तो कहीं न कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि गुरुदेव ऐसा कहने के लिए बाध्य है, माता ऐसा कहने के लिए बाध्य है, इसका अभिप्राय क्या? अयोध्या में भी मोह और मोह बड़े से बड़े व्यक्तियों के हृदय में, पर श्री भरत की विशेषता यह है कि वो कहीं विनम्रता का त्याग नहीं करते हैं, पर बड़ी ही विनम्रता से भी भरत कमल कर धोरी
का धर्म उधर धीर धरी और बचन अमीर जर बोल। उनकी कला है बोलने की, ये कि जब कुछ बोलते हैं तो उसको शीरे में रस में डुबो देते। बात तो यही कल लक्ष्मण जी और भरत जी के अगर भाषण पर दृष्टि डाले तो मैं दोनों के लिए यही कहूंगा कि जैसे कोई शुद्ध घी में बनी हुई जलेबी हो तो जलेबी तो मैदे और शुद्ध घी से ही बनती, पर अगर मैदे की जलेबी को शुद्ध घी में पका करके आपके सामने परोस दिया है तो आपको उसमें स्वाद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए उसको घी में परिपक्व करने के बाद जब शीरे में डुबा करके उसको रस में बना दिया जाता है तो आप कितने स्वाद से उसका आनंद लेते हैं। सो याद रखिएगा, लक्ष्मण जी की वाणी तो सत्य के शुद्ध घी में पकी हुई है पर उसमें कहीं पर भी मिठास नहीं, और भरत जी की वाणी सत्ययुक्त तो होते हुए भी शील के शीरों सीने में डुबो दी गई। ये शील जो है वही शीरा और सत्य जो है वो शुद्ध घी है, और उसका अभिप्राय यह है ऐसा शील कि वो शील कभी नहीं छोड़ते, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया न गुरु जी की बात न पिताजी की बात न मां की बात, लेकिन इतना आदर और यही कहा कि गुरुदेव आपसे बढ़कर के गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर मदर समाना, हमारे गुरुदेव इतने महान है कहीं ऐसा हो सकता है कि ऐसी उल्टी बात वो कहे। इसलिए उन्होंने विनम्रता से कहा गुरुदेव हम तो आपकी ही आज्ञा को जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं, और उसका अभिप्राय ये है गुरु जिस समय गुरुत्व में स्थित होकर के आदेश दे वो पालिए, और गुरु किसी अन्य मन स्थिति में हो तो उस समय उसके प्रति आदर कितना भी रखे पर उसका उसकी वाणी जो है प्रामाणिक नहीं है। श्री भरत जी ने यही किया, तो श्री भरत जा रहे हैं जलन की समस्या का समाधान पाने के लिए चित्रकूट में। हमारी बुद्धि में जो जीवन में जलन की समस्या है उसके लिए चित्रकूट जाना होगा, और चित्रकूट जाने के लिए जो साधन पथ है उसमें निषाद राज का गांव सुंगवेरपुर मिला, और श्री भरत ने वहां से ही से प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा चल ही सखा सोई ठाऊ दिखाऊ, मित्र निषाद राज आप चल करके वहां पर जहां पर प्रभु ने आपके यहां विश्राम किया था उस स्थान का दर्शन कराइए, और वो यात्रा का क्रम चल रहा है। उससे होगा क्या, उस स्थान का दर्शन करने से तो श्री भरत कहते हैं चल ही सखा सोई ठाऊ दिखाऊ बेगी नैन मन जरन जुड़ाऊ, आप दर्शन करके भले ही चित्रकूट में पहुंच करके पूरी तरह से हमारी जल शांत हो पर जहां पर प्रभु ने विश्राम किया है उस स्थान का जब हम दर्शन करेंगे तो मेरे हृदय की जल शांत होगी। मनुष्य का अभिप्राय किया आप प्रभु के मित्र हैं, आपके जीवन से निषाद के वाक्य को स्मरण कीजिए मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, दोष दुख और दाव का दीनता की जो दावाग्नि है वो निषाद के मन से मिट चुकी है, और श्री भरत कहते हैं आपके मन से मिट चुकी है आप मुझे उस स्थान का दर्शन कराइए, और निषाद राज लेकर के जाते हैं। वो तो एक एक प्रसंग अनोखा है, वहां दो वस्तुएं हैं भगवान राम के चरणों का चिन्ह और श्री सीता जी के आभूषणों के कुछ टुकड़े, एक और सोना एक और मिट्टी, भगवान के चरण चिन्ह है पृथ्वी धूल में और सीता जी के आभूषण से गिरे हुए टुकड़े क्या है, प्रेम की परिभाषा भक्त की परिभाषा कौन सी दृष्टि चाहिए। हमारे आपके सामने एक और धूल पड़ी हो और दूसरी ओर सोना पड़ा हो तो कोई विलंब ही नहीं होगा सोने को उठा के जेब में रखने में, धूल को कौन छूटा, लेकिन श्री भरत की दृष्टि क्या है। तो सब जी ने लिखा चरण रेख रज आखिन लाई और कहतन बनाई प्रेम अधिकाई और हर्ष ही निरख राम पद अंका मानव पारस पाय उलंक। श्री भरत ने उस धूल को आंखों में लगा दिया और उसके बाद सोने को देखा
कनक बिंदु दुई चारिक देखे और राखे शीश सीय सम लिखे। सोने के टुकड़े को देखा, धूल के कण में श्री राम का साक्षात्कार हो रहा है, सोने के टुकड़े में सीता जी का साक्षात्कार हो रहा है, और दोनों को ही शिवरथ एक को नेत्र में और दूसरे को मस्तक में धारण करते हैं। मानो इसका अभिप्राय यह है कि शिवरथ की दृष्टि वस्तु के बहिरंग रूप पर नहीं है, धूल और सोना उनके लिए धूल और सोना नहीं है, का भगवान से जुड़ करके वो भगवान का ही रूप। और तब श्री भरत निषाद राज को कहते हैं कि आपने जब इस तरह से उनकी शैया का दर्शन कराया तो आप ही कृपा करके मेरे मार्गदर्शक बने। और ये निषाद राज को मार्गदर्शक बनाए। भगवान राम ने चारों विद्यार्थियों को के रूप में वेदों को मार्गदर्शक बनाया था और श्री भरत ने निषाद राज को मार्गदर्शक बनाया और दोनों हाथ पकड़ करके आगे बढ़ रहे। पर ये निषाद राज यमुना के किनारे से लौटाए नहीं गए, ये चित्रकूट तक गए। चित्रकूट तक श्री भरत ने इनको मार्गदर्शक बनाया और ये चित्रकूट की यात्रा में निषाद राज वो है कि जिनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जो प्रभु से जुड़ करके पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं, जिनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं जब तरु धरे विनय अनुराग। ऐसा लगता है कि विनम्रता और अनुराग दोनों शरीर धारण करके जा रहे हैं। और तब जैसा दृश्य तब केवल ऊंचे चढ़ी भाई करु भरत सन भुजा उठाई नाथ देखिए विटप विशाला पाकर जम्बू रसाल तुम्हारा तिर तरु वरण मध्य मत सोहा मंजु विशाल देख मन मुहा नील सघन पल्लव फल लाला का मानो मानो मेरा अंग में राशि दर्शन करते हैं। मानो कितनी बड़ी विनम्रता श्री भरत के आचरण में है कि जिससे समाज छूने में डरता उसको श्री भरत ईश्वर से मिलाने वाला मार्गदर्शक मानते हैं। मानो उसका सूत्र वही है, एक पंक्ति है पूजी अभिप्रशील रूढ़ी ना और दूसरी पंक्ति है पूजनीय प्रिय परम जहाते मानिय सब ही राम के रस। वही पंक्ति रामायण की नहीं, ये भी रामायण की ही पंक्ति है। पूजनीय और प्रिय की कसौटी एक मात्र ये है कि उसे राम के नाते से ही स्वीकार किया जाना चाहिए और किसी आधार पर नहीं। और श्री भरत जी ने सचमुच उसी सूत्र को स्वीकार किया है, तभी तो निषाद राज को मार्गदर्शक बनाया। और निषाद राज के मार्गदर्शन में चित्रकूट में जब उनका मिलन होता है तो फिर गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो मिलन पूर्ण ब्रह्मात्मिकता जीव ब्रह्म का मिलन है, समग्र मिलन है और उस पूर्णता की अनुभूति में सचमुच श्री भरत और श्री राम बिल्कुल डूबे हुए। और उसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तुतः समाधि का सुख इतना दिव्य सुख है कि उसको पाने के बाद कोई भान नहीं रह जाता, परिपूर्णता है जन योगी परमार्थ पावन। पर अगर एक महासंत श्री भरत जैसा या और भी जो महापुरुष है अगर ब्रह्म से मिलन के दिव्य रस में डूब जाए तो अनगणित व्यक्ति उससे वंचित रह सकते हैं और ये समस्या यहां पर है। अयोध्या के नागरिक प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा करने वालों में गुरु वशिष्ठ भी। बड़ी अनोखी यात्रा, जिस यात्रा में सवारी वाले पिछड़ गए और पैदल चलने वाले भरत पहले पहुंच गए। विचित्र यात्रा है साधना पथ की और उस यात्रा में गुरु प्रतीक्षा में है श्री राम कब मिलेंगे और शिष्य जो है भगवान को पा करके धन्य हो रहा है परिपूर्णता की स्थिति में। तो रामराज जी का अनुभव श्री भरत को तो हो गया।